दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। नमस्कार, हम शिव अधिकारी यदुवंशी। सबसे पहले प्रमुख समाचार। तेसर मुलुक में रहल नागरिक सबके प्राथमिकीकरण क के स्वदेश फिरता करवा सरकारक निर्णय, स्थल मार्ग लेल 20 नाका निर्धारण। नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमित के संख्या 1212 पहुंचल, 206 गोटक इलाजक बाद घर घुमाल गेल। झापा से धरान पठाओल गेल 27 गोटे में कोविड 19 संक्रमित के इलाजक लेल नहीं भेटल अस्पताल, बेड अभाव रहल कई अस्पताल नहीं लेलक, राइट भेर रहल बाहरे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा डब्ल्यूएचओ संग अमेरिकी सब संबंध तोड़ने घोषणा, कोरोना वायरस संक्रमण रोकवाक लेल डब्ल्यूएचओ असफल भेल आरोप। आ स्पेनिश लालिका रुकल खेल सब जून 11 से हेबाक पक्का, आबे वाला सीजन सेप्टेम्बर 12 से शुरू हेबाक तय। आप पूरा समाचार। सरकार तेसर देश में रहल नेपाली नागरिक सबके प्राथमिकीकरण क के स्वदेश घुमबाक तैयारी कयलक। ऐसा शुक्र दिन बैसल कोरोना रोकथाम तथा नियंत्रण के उच्च स्तरीय समन्वय समिति से नेपाल आबो परबाक अवस्था में रहल नागरिक सबके स्वदेश घुमाबक के तैयारी क रहल जानकारी देने। ऐसा आम माफी भेटल नेपाल आब नहीं पेने नागरिक विभिन्न वीजा में गेल मुदा अपन रिश्तेदार के मृत्यु भेल कारण काज क्रिया कर आब परबाक अवस्था रहल व्यक्ति सबके घुमाबक निर्णय कयल गेल। प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय के सचिव नारायण बिडारी जानकारी देने छथि। तहिना श्रम कारागार अवधि समापन भ रोजगारी गुमाने कोरोना बाहेक अन्य स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अस्वस्थ रहल सुतकेरी तथा गर्भवती महिला के बाल बालिका ज्येष्ठ नागरिक अपांगता भेल व्यक्ति सबके स्वदेश घुमाबक के तैयारी भरल ओ बतौने। सरकार संपूर्ण देश से विवरण प्राप्त भेला बाद नेपाल वायु सेवा निगम वा नेपालक अन्य वायु सेवा निगम के विमान से हुनका सबके उद्धार करवाक तैयारी भ रहल जानकारी देने छथि। श्रम करार अवधि समाप्त भएका र रोजगारी गुमाएका व्यक्तिहरू, कोविड बाहेक अन्य कारणबाट गंभीर स्वास्थ्य अवस्था में रहनु भएकाहरू, सुत्केरी तथा गर्भवती महिला, बाल बालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, हाम्रो तत्तत् मुलुकका कूटनैतिक नियोगहरू हाम्रो एम्बेसीहरूमा उहाँहरूले आफ्नो एप्लिकेसन फर्म विवरणहरू दिनुहुन्छ, त्यसको लिस्ट तयार हुन्छ, त्यसलाई नेपाली वायु सेवा निगम वा नेपालका वायु सेवा निगमलाई प्रायोरिटी दिइनेछ। समिति भारतमै रहल नेपाली नागरिक सबके लाभक लेल देशके विभिन्न नाका सबके आधिकारिक रूप निर्धारण सेहो गर्नेछ। सचिव बिडारीको अनुसार पशुपति नगर, काँकडभेटा, रानी, सुनौली, ठाडी, माडर, मलङ्बा, गौरी, बिरगन्ज, महेशपुर नाका निर्धारण गर्नेछ। तेनाको बेलिया, तौलीहवा, कृष्णनगर, जमनाहा, गोरीफण्डा, काँडाचोकी, झुलाघाट आ दार्चुला नाका सब निर्धारण गर्नेछ। नेपालमै कोरोना भाइरस संक्रमितके संख्या 1212 पहुँचल। हाल धेर 206 गोटे इलाज भएको घर घुम चुकल अवस्था रहल त संक्रमण से मृत्यु होलाको संख्या 6 पहुँचल। अर्घाखाँची के 35 वर्षीय पुरुष की भारत से आबक क्रम में बाटे में मृत्यु भेल छल। बीतल जेठ 10 गते भारत से आयल उ पुरुष के नमूना परीक्षण करते समय कोरोना पॉजिटिव देखल गेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटा बताने दुखद खबर भूमिका स्थान नगरपालिका अर्घाखाँची का 35 वर्षीय पुरुष जसको गैराती गत जेठ 10 गते मृत्यु भएको थियो। शुक्र दिन एकै दिन नेपालमै 170 गोटेमै कोरोना संक्रमित थपाइले छ। झापाके 28, सप्तरीके 4, बाराके 4, पर्साके 5, सर्लाहीके 5, म्याग्दीके 1, बाँकेके 10, कपिलवस्तुके 51, नवलपरासीके 2, रौथटके 56, रूपन्देहीके 1, दाङमै 2, पाटन अस्पतालमै 1 गोटे क कुल 170 गोटे नयाँ संक्रमित थपाइले छ। हुनका सबैमै 165 गोटे पुरुष आ 5 गोटे महिला रहेछ। शुक्र दिन धरि 206 गोटेकै इलाज क घर घुमा चुकल अवस्था रहल स्वास्थ्य मन्त्रालय जानकारी दिने छ। नयाँ संक्रमित को संख्या 170 रहेको छ, जसमध्ये 165 जना पुरुष र 5 जना महिला हुनुहुन्छ। पिछला 24 घण्टामै 3238 को एखन धरि 64154 गोटेके नमूना परीक्षण भेल मन्त्रालयके कहबै छ। तेना कऽ आरडीटी परीक्षण 105478 के नमूना परीक्षण भेल अछि। शुक्र दिन धरि देशभरिके विभिन्न क्वारेन्टाइनमे 99336 गोटे रहल सेहो जानकारी देल गेल अछि। तेना कऽ विभिन्न अस्पतालमे 1000 गोटे आइसोलेशन में इलाजरत रहल सेहो मंत्रालय जानकारी देने। झापा से धरान पठाओल गेल 27 गोटे कोविड 19 के संक्रमित के कोविड 19 के संक्रमित के बीपी कोरेला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के दरवाजे में
रोकिदिने छ। शुक्र दिन साँझ झापाकै कञ्चन कवल गाउँपालिका सो धरान पठाउलगेल कोभिड 19 संक्रमण पुष्टि भेल। 27 गोटे रोगीकै बेड अभाव भेल गए त बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान भर्ना नै कक आइतबार बाहिर रख्ने छ। झापा सह समन्वय नै कक रोगी पठाउने कारण संक्रमित कि बाहिर राइट पिताब पडल प्रतिष्ठानक प्रवक्ता डाक्टर निधिश तापकोटा बताउनु छ। प्रतिष्ठान तैयार करने कोविड 19 के अस्पताल में रोगी ने रख संक्रमित रोगी सबके पेइंग ब्लंक के आइसोलेशन में रखे आयल छल। 30 बेड के पेइंग वार्ड में 167 गोटे कोरोना संक्रमित रोगी सब भर्ना भ चुकल अवस्था रहे। 27 गोटे रोगी आवा वाला समय अवैध समय में समस्या सेहो भेल बतबेद। तहिना कक कोरोना संक्रमित रोगी के राति भर आइसोलेशन के बाहर राखल गेल जोखिम बढ़ल स्वास्थ्य विज्ञ के कहबै। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशक अधिकांश स्थानमे मौसम बदली भेल छ। एखन देशभर सामान्य बदली रहेको बहुतो स्थानमे हल्का वर्षा भेल जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जानकारी दिने छ। हाल नेपालमै पश्चिमी वायुकै आंशिक प्रभाव रहेछ। तहिना पूर्वी भूभाग नजिकै निम्न चापीय रेखा रहला स्थानीय वायुकै सेहो प्रभाव भेला सो देशभरकै मौसम बदली भेल बताउल जा रहल छ। सोही दिन दुपहर देशभरकै सामान्य बदली रहेको किछ स्थानमे मेघ गर्जन ठन्का तथा हावा बिहार वर्षा सहितकै सम्भावना रहल मौसमविदकै कहबै छ। राति सेहो देशभरकै सामान्य बदली रहेको किछ स्थानमे मेघ गर्जन ठनका अब बिहार सहितक वर्षाक सम्भावना रहल महाशाखा के कहबै छ। देशक किछ स्थानमे मेघ गर्जन ठनका अब बिहार सहितक वर्षाक सम्भावना रहला सँ आवश्यक सतर्कता अपनाबा मौसमविद सबके आग्रह सेहो कने छ। मैथिली समाचारमे छोट विश्राम। मैथिली समाचारमे आब बाँकी समाचार। परराष्ट्र मंत्री प्रदीप घिमवाली सीमा समस्या समाधानक लेल सरकार प्रयत्न कऽ रहल मुदा ठोस मिति तय होबक अवस्था नै आयल बताउनु सक। संघ संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतकै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिके शुक्र दिनकै बैसारमे भारतसँग औपचारिक वार्ताके मिति आ मोडालिटी तय होब नै सकल बताउनु छ। भारतद्वारा नेपाल बनाउने नक्सा स्वीकार्य नै हेबाक कूटनीतिक सम्वादसँग समस्या समाधान गर आग्रह कला बाजु एखन धरि कोनो मिति आ मोडालिटी तय होब नै सकल मन्त्री घिमवालीकै कहब छन्। सरकार मिति आ मोडालिटी के प्रतीक्षा में रहल सेहो बतबैत अछि। अहिले अब औपचारिक वार्ता को ठोस त्यस्तो मिति अथवा त्यसको मोडालिटी तैयार भइसकेको अवस्था छैन तर हामी निरन्तर टच में चाहिँ छौं। म यति मात्र यति निवेदन गर्न चाहे भूमि फिर्ता गर्ने गरी नै हामीले यी सबै कुराहरू गरेका हौं र वार्ता हामीले गर्छौं हामीले ओ सरकार बढ्दै के माध्यमसँग समस्या समाधान गरक लेल पूर्ण प्रतिबद्ध रहल समेत बताउने छ। ओ सिंगल देश एकतावत भएको अवस्थामा रहल सरकार अतिक्रमित भूमिकै फिर्ता लाभके साथ दृढताको साथ काज गर रहल सेहो बतबै छ। ओहिमे शङ्का नै गरेर सांसद सबकै आग्रह सेहो कने छ। सांसद सब वार्ताके मिति आ मोडालिटी एखनो तय होब नै सक्ला सँ लम्बा समय धरि भूमि फिर्ता होब नै सक्बाक हेतु गम्भीर होब आग्रह सेहो कयल गेल छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतकै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति 10 गजा क्षेत्रमे रहल भौतिक संरचनाकै तत्काल हटाब सरकारकै निर्देश दिने छ। समिति भारतीय सीमामे रहल 10 गजा क्षेत्रमे अन्तर्राष्ट्रिय कानून आ मूल्य मान्यता विपरीत रहल बस्तीकै सडक बाँध तटबन्धकै तोड हटाब निर्देश दिने छ। भारतसँगै सीमा क्षेत्रका विषयमे विचार विमर्श गर बैसल समितिकै बैसार सह 10 गजा क्षेत्रमे भारत निर्माणकै नै संरचना आ मानव बस्तीकै हटाब सरकार निर्देशन सेहो दिने छ। कानून र मूल्य मान्यता विपरीत सीमा क्षेत्रको 10 गजा नो म्यान्स ल्यान्ड रहेका बस्ती सडक बाँध तटबन्धलाई हटाउने भत्काउने दुईटै कुरा आएको छ। मैले यो दुईटै राखेको छु होइन यसलाई मिलाउँ होला भत्काउने तत्काल भत्काउन तत्काल आवश्यक पहल गर्ने समिति नमहर नदीमे अपने सीमास्तम्भ बनाव समेत सरकारके निर्देशन देने से एखन सीमामे पैघ नदी सीमास्तम्भ बनेबाक जिम्मा भारत सरकारके रहल मुदा भारत सहमति अनुसार सीमामे स्तम्भ निर्माण नै कयलाक बाद सहमति सरकार अपने सीमास्तम्भ बनाबक निर्देशन समेत देने छ। समरी जनरल सैनिक अदालत सैनिक हवाई महानिर्देशनालय गौचरण एक अवकाश प्राप्त पाइलट उप्रथी सहित 9 गोटेकै सजाय सुनाउनेछ।
सैनिक हवाई महानिर्देशनालय में भेल अनियमितता छानबीन कर रथी के अध्यक्षता में गठित कोर्ट अफ इन्क्वायरी बोर्डक राय सहित प्रतिवेदन के आधार में तत्कालीन महानिर्देशक प्रति सुधीर श्रेष्ठ सहित 19 गोटे के सैनिक ऊपर भ्रष्टाचार अभियोग में शुक्र दिन फैसला सुनाने तत्कालीन सैनिक हवाई महानिर्देशक प्रति श्रेष्ठ सैनिक एन 2063 के अनुसार कसूर के प्रमाणित वाला से 58,95,590 रुपया भ्रष्टाचार कने वही बराबर रकम असूल ऊपर करवाक नहीं सकल तब फैसला अदालत करवाक कहने वह मुदा में अन्य 8 अधिकृत सहित अपने प्राप्त जिम्मेवारी प्रभावकारी रूप में संपादन नहीं करने ठहर कर सचेत कराव के सेहो फैसला भेल एक अधिकृत आ 9 अन्य दर्जा के अभियोग में मांग दावी सहित सफाई भेटवा कर फैसला सेहो सुनल गेल। अब आर्थिक समाचार। कोरोना वायरस संक्रमण की जोखिम संगे जारी लॉकडाउन के कारण लमजुंग में निर्माणाधीन न्यादी जल विद्युत आयोजना के निर्माण कार्य प्रभावित बनल। लॉकडाउन के कारण निर्माण सामग्री ढुवानी होबा नहीं सकला से आयोजना के निर्माण कार्य बंद रहल। मर्चांगदी गांव पालिका वार्ड नंबर 6 बाहुन डांडा स्थित न्यादी नदी में निर्माणाधीन 30 मेगावाट के न्यादी जल विद्युत आयोजना के काज अंतिम चरण में पहुँचल। आयोजना के बांध क्षेत्र अंतर्गत 90% काज सम्पन्न भ चुकल। आयोजना में इलेक्ट्रोमेकानिकल स्विच वार्ड हाइड्रोमेकानिकल दिस पेनस्टक पाइप जड़ान आ ट्रांसमिशन दिस के आधार तय भ चुकल। आयोजना जानकारी देने अलग सरस्वती हेखे न्यारी प्रोग्रेस हेडक्स में 90% काम सकि सकते अब यह पावर हाउस में इलेक्ट्रोमेकानिकल को काम लगभग 20% काम इलेक्ट्रोमेकानिकल सकि सकते स्विच यार्ड को काम अगड़ी बढ़ते हम अभी ट्रांसमिशन लाइन को हमें 10 वटा टावर को फाउंडेशन इंस्टल कर राखी इलेक्शन कर सकते। अंग्रेजी पत्र के अनुसार बीतल अप्रैल महीना में काज संपन्न भएको विद्युत उत्पादन हेबाक समय कट चुकल। मुदा हाल लॉकडाउन के कारण सब निर्माण सामग्री समापन भएको आयोजना के निर्माण कार्य बंद रहल। आयोजना में रहल स्टॉक सामग्री सेहो खत्म भेला बाद काज बंद कर पड़वाक अवस्था आएल। आयोजना जानकारी दिने चैतमै सक्ने टार्गेट राखेको थियो र सकिन्थ्यो पनि र यो अहिलेको कोरोना भाइरस को COVID-19 को प्रभावले गर्दाखेरि लकडाउनले गर्दाखेरि यो कार्य यो प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट अझ दुई तीन महीना अझ धकेलिएको छ। 2073 चैत से निर्माण शुरू भेल ओ आयोजना में COVID-19 के प्रभाव संगे जारी लॉकडाउन के कारण निर्माण अवधि सेहो लंबा कल गेल। आबके किछ सप्ताह से बरखा लगवा का खोला के बांध क्षेत्र में काज कर कठिन रहला से आयोजना कहिया समापन हेतै के असमंजसता कायम भेल। आयोजना के निर्माण चुनिया कंपनी चचियांग हाइड्रो पावर कंस्ट्रक्शन एंड इंस्टॉलेशन कंपनी कर रहा है। लमजुंग से संदेश पौडेलक रिपोर्ट। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO संग अमेरिका सब सम्बन्ध तोड्ने घोषणा कने। कोरोना भाइरस संक्रमण फैलस रोकल WHO असफल भेल आरोप लगबैत ट्रम्प ऐसे पहिने अमेरिका द्वैताल आर्थिक सहयोग बंद कराने जानकारी देने। शुक्र दिन व्हाइट हाउस में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में ट्रम्प विश्व स्वास्थ्य संगठन संगे नाता तोड़ने बताने संगे अमेरिका WHO के दैत आयल आर्थिक सहयोग आ विश्व पब्लिक हेल्थ में लेकवाक सेहो ट्रम्प बताने। ट्रम्प WHO के चीन के पक्ष पोषण करने आरोप शुक्र दिन सेहो दोहरल। स्पेनिश लालिका फुटबल अब वाला जून 11 से फिर से शुरू होबाक भेल। कोरोना भाइरस के महामारी के कारण रोकल खेल सब बंद रंगशाला में जून 11 से शुरू होबाक भेल। जून 11 में रियल बेटिस सेविला संग प्रतिस्पर्धा करत। अब वाला सीजन सेप्टेम्बर 12 से शुरू होबाक तय भेल। इस सीजन में जुलाई 18-19 के सप्ताहांत में निष्कर्ष लगवाक तैयारी आयोजक के रहल। मुदा ओ के कोरोना वायरस संक्रमण के अवस्था प्रभावित कर सकबाक। स्पेन सरकार खेलकूद विभाग लालिगा आ स्पेनिश सरकार फेडरेशन आराफे संघ की लीग फिर से शुरू करवाक संबंधी सहमति भेल जानकारी देल गेल।
स्पेनमै फुटबल लिग सब बितल मार्च 12 रोकल गेलै छ। प्रधानमन्त्री पेद्रो सान्जे अहिले पहिने खेल सब जुन 18-8 सुरु होब सकबाक बताउने छ। समाचारक अन्तमै प्रमुख समाचार छ फेड सेक्वेयर। तेसर मुलुक में रहल नागरिक सबके प्राथमिकीकरण क के स्वदेश फिर्ता करवा सरकारक निर्णय स्थल मार्गक लेल 20 नगर निर्धारण। नेपालमै कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 1212 पहुँचल 206 गोटेके इलाज के बाद घर घुमाउल गेल। झापा सँ धरान पठाउल गेल 27 गोट कोविड 19 संक्रमित के इलाज नहीं भेटल बेड अभाव रहल कै त अस्पताल नहीं लेलक रोगी के भर्ना राइत भर बाहर राखल गेल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा डब्ल्यूएचओ संगे अमेरिकी सब संबंध तोड़ने घोषणा कोरोना भाइरस संक्रमण रोकबाक लेल डब्ल्यूएचओ असफल भेल आरोप। आ स्पेनिश लालिकाक रुकल खेल सब जून 11 से हेबाक पक्का वाला सीजन सेप्टेम्बर 12 से शुरू हेबाक तय। एखनुक लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब फेसबुक ट्विटर हमरा सबके वेबसाइट जनता समाचार .com में सेहो पढ़ देखा सुन सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता समय में समाचार हमरा सबक प्रतिबद्धता कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित रूप में हाथ धो भीड़ भाड़ सलक घर में सुरक्षित रहू आ परिवार के सेहो राखू। नमस्कार।